नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार यानी 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से वापस ले लिए जाएंगे। रिजर्व बैंक के इस कदम से एक बार फिर नोटबंदी की यादें ताजा हो गई। हालांकि इस बार लोगों को किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल 2000 रुपए के नोट बाजार में चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने यह बड़ा ऐलान करते हुए 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का आदेश दिया, उसके बाद लोगों के मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए उन सवालों के जवाब आपको बताते हैं, और परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि आरबीआई ने क्या कुछ फैसला लिया है, तो चलिए उसका जवाब दे देते हैं। क्या है आरबीआई का फैसला? आरबीआई ने फैसला लिया है कि अब 2000 के नोट नहीं छापे जाएंगे। जो नोट मार्केट में हैं, उन्हें सिस्टम से तेजी से वापस लिया जाएगा। क्या ये नोटबंदी है? अगर आपके जहन में ये सवाल है, तो इसका जवाब ये है कि 2016 में जब नोटबंदी का ऐलान मोदी सरकार ने किया था, तब 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब आरबीआई ने जो फैसला लिया है, वो किसी भी तरीके से नोटबंदी नहीं है। अभी 2000 रुपए के नोट पूरी तरीके से मान्य रहेंगे, इन्हें बंद नहीं किया जा रहा है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि ये नोटबंदी 2016 की तरह है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जिसके पास 2000 के नोट है, अब वो क्या करें? अब जिसके पास भी 2000 के नोट हैं, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट बंद नहीं हुए हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बदलवा सकते हैं। इसके लिए आरबीआई ने पर्याप्त समय भी दिया है। क्या मार्केट में 2000 का नोट अब चलेगा? इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। 2000 रुपए का नोट बिल्कुल अभी मार्केट में चलता रहेगा, लेकिन लेन देन में अब लोग इसे लेने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें भी नोट बदलवाने पड़ेंगे। इसीलिए अगर मार्केट में नोट नहीं लिए जा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। किस बैंक में बदलवा सकते हैं नोट? 2000 के नोट को किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं। यानी अगर आपका खाता SBI में है और आपके घर के पास पंजाब नेशनल बैंक है, तो आप PNB में जाकर 2000 रुपए का नोट बदलवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में आपको समझाएं तो किसी भी स्पेसिफिक बैंक में जाकर नोट बदलने की जरूरत नहीं है, किसी भी बैंक में जाकर आप नोट बदलवा सकते हैं। एक बार में कितनी नोट बदलवा सकते हैं? RBI ने तय किया है कि एक बार में 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं। यानी 23 मई 2023 से आप एक बार में 20,000 रुपए तक 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं, और 30 सितंबर तक आप नोट बदलवा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो हर एक व्यक्ति जानना चाह रहा था। जिनके पास भी 2000 के नोट हैं, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने नोटबंदी नहीं की है। उन्होंने 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है, और 23 मई से आप नोट बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। फिलहाल मार्केट में भी नोट चलते रहेंगे, लेकिन लेन देन में अब शायद ही लोग इस नोट को लें, क्योंकि उन्हें भी बैंक जाकर बदलवाना पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई भी आपकी नोट मार्केट में नहीं लेता है, तो आप परेशान ना हो, आप किसी भी बैंक में जाकर बाकायदा नोट बदलवा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि 23 मई से 30 सितंबर के बीच ही आप ये नोट बदलवा सकते हैं, और एक बार में, मतलब एक दिन में 20,000 रुपए ही आप बदलवा सकते हैं, यानी 10 नोट। तो फिलहाल ये वो जानकारी थी जो सभी को जाननी थी, हमने आपको ये जानकारी पहुंचा दी है। तो परेशान ना हो, नोटबंदी नहीं हुई है, आप आराम से 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं।